मध्य प्रदेश में मजदूरों के साथ एक और हादसा, ट्रक पलटने से गई 5 की जान, 11 घायल। ट्रक में सवार होकर यूपी जा रहे थे मजदूर, 2 दिन पहले ट्रेन से कटकर गई थी 16 मजदूरों की जान। कोरोना से मौत की संख्या पर सवाल, दिल्ली सरकार बोली अस्पतालों के आंकड़े फाइनल नहीं, LNJP अस्पताल में मौत के आंकड़ों की पुष्टि नहीं। कोरोना से थाना प्रभारी की गई थी जान, शिवराज सरकार ने बेटी फाल्गुनी पाल को बनाया इंस्पेक्टर, ड्यूटी के दौरान उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल को आया था बुखार, जांच कराने पर पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। मिशन वंदे भारत में बीते 24 घंटे में 800 से ज्यादा भारतीयों की हुई वतन वापसी, भारतीयों को एयर इंडिया के विमानों से हो रही वापसी, स्वदेश लौटने वाले लोग जांच के बाद रहेंगे क्वारंटीन। कांग्रेस ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की मुश्किलें, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में उतारे 2 प्रत्याशी, उद्धव के निर्विरोध चुनाव लड़ने के अरमानों पर फिर जाएगा पानी, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर 21 मई को होंगे चुनाव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 63,000 के करीब, अब तक 2,109 लोगों की गई जान, महाराष्ट्र गुजरात और दिल्ली कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित। दिल्ली में कोरोना को मात दे चुके जमातियों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने का आदेश, क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 2,446 सदस्य, दिल्ली सरकार ने कहा केंद्र सरकार जमातियों को भेजने का करे इंतजाम, जारी करे पास। पंजाब में शराब के दाम बढ़ाने को लेकर बैठक में भिड़े मंत्री और अधिकारी, अधिकारियों से कहा सुने के बाद बैठक छोड़कर चले गए 2 मंत्री, शनिवार को होने वाली कैबिनेट बैठक की गई सोमवार तक स्थगित। दिल्ली के बवाना में एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग, 14 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, सुबह 7:55 पर लगी आग, दिल्ली का औद्योगिक एरिया है बवाना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का किया फैसला, जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं सामने उन राज्यों में जाएगी टीमें, राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए होंगी टीमें, कोरोना की रोकथाम में करेंगी मदद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।